कही के साडे मेरे इत्थे ढारे दे विच जिथे रहना आ मैं इत्थे किसी ने अंग पाड़ के नितनेम साहब दे गुटके दे ते सुखमनी साहब दे गुटके दे अंग भी विचे सी पाटे हुए सी ते विचे सी ओ रखे दिखाए ने सानू जदों असीं इहनूं पुछगिछ कीती भी एक जिन्हां बच्चों के उत्ते इन्हें इल्जाम लाया मुंडियां दे उत्ते सानू लगा भी इह कुछ दाड़ विच काला आ असीं इहदे किरदार दा इहदे करैक्टर दे उत्ते भी शक आया कि इह भंग भी पींदा आ इह नशा भी करदा आ तो इन बच्चों के नाल इन मुंडिया के नाल कोई पुरानी रि शरीके रंजिश आ जिदा करके उन्होंने फसाने खातर इन्हें आप ही अंग पाड़ के ते उत्थे रख दिते। कितनी उम्र बंदे बंदे इस बंदे की कोई 45 साल के लागे है। तो कितनी उम्र के बच्चे फसाना चाहता ये जो बच्चे आ सारे 20-22 साल के मैं कि गोपी फोन किया बटी रखे आके फिर मैं घर लिया गया मैं तुम पहले दस इंसान को गलती हो जाती गुस्से जाके अपने घर वाले मार के जेल चल गई यह हो जाता बंदे क्रोध जरा वा बंदे घर वाले का कतल कर दिया मुंडे का कतल कर दिया इधर की पता तेन सारा इधर की हो सच्चाई बोल दे सारे मुंडे आते डकना रात हथो पाई हो गए मेरे मार कुट के चल गए अपना भी असि भी करिए क्योंकि जिदा तू डिले करेगा ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਰਮ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਆ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੱਸ ਸਾਰ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੱਠ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਭੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੀ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਹ ਹੋਈ 7:30-8 ਤੂੰ ਆ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਆ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मैं दास सुखदीप सिंह पंथ सेवक जथा माझा तो भाई पलविंदर सिंह माड़ी पनुआ ते भाई सतनाम सिंह संसा असी सिंह जा रहे सी दमदमा साहब नू भाई पलविंदर सिंह नू मिल के उन्हां दे नाल कट्ठे ही जदे सानू करमजीत सिंह मिलिया आ जिहड़ा कि अगों पिछों भी इत्थे रक्षा चलाउंदा आ ते इक नियंग सिंह बाणे दे विच रहिंदा चोले च रहिंदा इन्हें सानू ये गल कही कि साढ़े मेरे इत्थे ढारे दे विच जिथे रहिंदा आ मैं इत्थे किसी ने अंग पाड़ के नितनेम साहब दे गुटके दे ते सुखमनी साहब दे गुटके दे अंग भी विचे सी पाटे हुए सी ते विचे सी ओह रखे दिखाए इन्हें सानू जदों असीं इहनूं पुछगिछ कीती भी एक जिन्हां बच्चों के उत्ते इन्हें इल्जाम लाया मुंडियां दे उत्ते सानू लगा भी ये कुछ दाल विच काला आ असीं तहकीकात करके उहनूं नाल लिया करमजीत सिंह नूं उहनां दे घरां च गए
जिहड़े बंदियां दा नाम इहने नाल लिया होर मुंडियां दा कि वह मुंडे भी उस टाइम दे उत्ते शाम नूं हाजिर सी, उन्हां नूं बुलाया बुला के भाई सतनाम सिंह होणा ने भाई बलवीर सिंह होणा नाल संपर्क किया ते इह वी उस वेले इत्थे पहुंचे। जदों असीं अपने तौर ते तहकीकात कीती उन्हां परिवारां दे विच वी जा के उन्हां महल्लियां च जा के ते इहदे किरदार दा इहदे करैक्टर दे उत्ते वी शक आया कि इह भंग भी पींदा आ, इह नशा भी करदा आ ते इन्हां बच्चियां दे नाल इन्हां मुंडियां दे नाल उहदी कोई पुरानी शरीके दे विचों रंजिश आ जिहदा करके उन्हां नूं फसाउण खातर इहने आप ही अंग पाड़ के ते उत्थे रख दित्ते। किन्नी उम्र पिंड दी बंदे दी? इस बंदे दी कोई 45 साल दे लागे है। ते किन्नी उम्र दे बच्चे नूं बसाउणा चाहुंदा सी? इह जिहड़े बच्चे आ उह सारे 20-22 साल दे मुंडे आ जिन्हां दे विचों कोई हलवाई दा कम वी करदे आ, वो अपने काम के उत्ते सी, फिर उन्होंने उन्होंने काम तो भी बुलाया गया वापस। सो सारे सिंगा ने असी गुरमता करके तो यह गल लैके आँदी कि आपां कार्रवाई करनी चाहिए। पहला तो अपने तौर पर अं तफतीश की तो सारिया शक दी सूईया जिहड़ियां करमजीत सिंह दे वल ही जांदियां सी। सारे महल्ले चों आले दुआले दे विचों इलाके श्री हरगोबिंदपुर के शहर के विचों एक भी बंदा ये बारे ये हक च गवाही देने वास्ते तैयार नहीं सी। ये अपने बयान तो भी यह थिड़की जाता सी। फिर असी तफतीश वास्ते पुलिस में इनवॉल्व करने वास्ते इतने सारे सिंगा ने गुरमता किया कि इनू थाने लैके जाया जाए। जब असी थाने लैके आए हाँ तो पुलिस ने बहुत सख्ती दे नाल इहदे को पुछगिछ की। ये कोई तुहानू मेंटल मेंटल नहीं लगता पे कोई अजीब कोई? नहीं मेंटल नहीं है, पर यह नशा जरूर करता है। नशा करन करके ये कार्रवाई की इन्हें तो ये मनिया भी आ पुलिस को। जदों सख्ती नाल पुलिस ने पुछगिछ की आ तो फिर इन्हें बयान दिता इस गल ते मन्निया आ कि मैं नशे दे लोर विच नशे दे विच होण करके ते इन्हां नूं फसाउण वास्ते ये मैं कार्ज किया, एक गलत घनौना काम किया। नित बेदबईयां हो रही कभी गुटका साहब दी कभी ग्रंथ साहब दी, तुसीं किस तरह दी सरकार को मंग करते हो? देखो असीं तां एज ए सिख होण दे नाते ये गल कहिंदे आ कि जद कोई इदां दा काम हुंदा आ तां उहदे उत्ते गुरमता करके जो सारे सिंह जां सारे संगत जो फैसला कर लवे, जिदा साडा सारे सिंघां दा इह फैसला सी सारिआं दा कि इहदी तफतीश वास्ते इक वारी इहनू चंगी तरह पुछण वास्ते पुलिस को लैके जाया जावे, तो पुलिस ने पूरा साडा प्रशासन ने साथ दिता तो सख्ती नाल पुछगिछ की आ। पर इहदे ते वध तों वध 295A धारा लगेगी। सो ये गल है कि जे आपां एज ए कानूनी कार्रवाई करनी आ, वैसे तां सानू गुरु महाराज दा हुक्म आ कि गुर की निंदा सुने ना कान पेट करा संग कृपान। सो वैसे तो इन्हों का इलाज यही एक आ कि इन्हों मौत दे घाट उतारिया जाए तो इन्हों सजाए मौत भी होनी चाहिए है। सो पर यह सिंगा का गुरमता हो गया सी सारे का, हालांकि कुछ सिंगा की राय सी भी एक बार इन्हू सोधा स्वाद ना लाया जाए, पर सारे सिंगा का गुरमता यह सी कि नहीं एक बार प्रशासन नू पुछगिछ अपने तौर पर तफतीश की आ, प्रशासन नू विच इनवॉल्व जरूर किया जाए। प्रशासन यही मांग करते हो कि मौत की सजा होनी चाहिए? तो मौत की सजा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। अज सिख जथेबंदियों वालों थाना श्री हरगोबिंदपुर विखे असी पहुंचे हाँ। सानू पता लगा सी कि एक सड़क के रोड से खोखा रख के करमजीत के नाते व्यक्ति अपने खोखे के विच दो गुटके साहब रखे हुए सन, सुखमणी साहब ते नेतनेम वाला। इनू कोई नितनेम नहीं सी आउंदा, शराब ये पींदा सी, समैक ये पींदा सी, फीम ये खांदा सी, पुक्की ये खांदा सी, भंग ये पींदा सी। इन्हें की किया कि किसी नू फसाउण वास्ते गुटके साहिबां दी बेदबी करके फिर रौला पा दिता। जो सुखदीप सिंह जी जिहड़े जथेबंदी दे नुमाइंदे सन ये सेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब दे स्थान नूं दर्शन करन जा रहे सन, जदों इन्हां ने जाके खोखे विच वेख्या ते गुटका साहिब दोनों ही पाटे पाए हुए सन, बहुत वड्डी बेदबी कीती सी। ते ए किसे नूं फसाउण वास्ते इन्हें ये हरकत कीती। जदों असीं प्रशासन को लै के आए हाँ इत्थे SHO गुरु हरगोबिंदपुर थाने दे विच, ते इस SHO ने फिर अपने जेडे पुछगिछ दे विच इस नूं पुछिया कि तूं ये कीता, ये मन गया कि मैं ये बेदबी कीती आ उन्हां नूं फसाउण वास्ते। तो असीं मांग करते हैं कि ये दोषी जेड़े बेदबियां कर रहे ने इन्हां नूं सज़ा इदां दी मिलनी चाहिए आ, तुरंत
पाव के भावें फांसी हो जाए, नहीं तो इन्हों सज़ा इदा की चाहिए जिम्मे उम्र कैद हो जाए। इदा की सज़ा मिले तो ये बेदबियां रुक सकदिया ने, नहीं तो नवी तो नवी घटनावां कोई ना कोई वापर रही है। ये कई थावां ते इदा दे मुद्दे सानू मिले ने बेदबियां वाले के जेड़े किसी नूं पसाउण वास्ते गुटका साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग भी पाड़ दिते जांदे ने। असीं पंजाब सरकार कोलों ते सेंटर सरकार कोलों मंग करदे आं जथेबंदियां कि ये धारा की भी सोध की जाए तो ये दोषियों नूं सख्त तो सख्त सजावां दित्तियां जाण जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।